हेलो स्टूडेंट्स, तो इसके पहले क्लास में हम लोगों ने सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है उसके बारे में देखा था, है ना। और सिग्निफिकेंट फिगर कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में भी देखा था। फिर हमने देखा था कि नहीं, यदि कोई भी मेजर्ड वैल्यू दिया हुआ है, वैल्यूज़ दिए हुए हैं, तो उनको यदि हम ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें, उस सिचुएशन में हम सिग्निफिकेंट फिगर, है ना, कौन सा कंसीडर करेंगे, कैसे लिखेंगे, उसके बारे में भी देखा था। तो मैंने ये बताया था कि जब आप क्या करोगे, मेजर्ड वैल्यू को ऐड करोगे, है ना, तो रिजल्टेंट जो वैल्यू आएगा उसमें डेसिमल के बाद जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, डेसिमल के बाद नंबर ऑफ जो डिजिट्स होने चाहिए, क्या होना चाहिए, जो ऑल मेजर्ड वैल्यू दिए हुए हैं उनमें कितने मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल है, उतना ही क्या होना चाहिए, रिजल्ट में होना चाहिए, फाइनल रिजल्ट में, है ना। उसी तरह मैंने बताया था कि जब आप क्या करोगे, ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, है ना, उसके बाद यदि मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करोगे, तो ये देखना है कि मिनिमम नंबर ऑफ क्या होना चाहिए, सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, है ना। जितना मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर गिवन मेजर्ड वैल्यू में दिया हो, आई मीन जिसको मुझे मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है ना, उतना ही क्या होना चाहिए, सिग्निफिकेंट फिगर किधर होना चाहिए, फाइनल रिजल्ट में होना चाहिए, ठीक है। तो आज उसी से हम कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे, है ना। जैसे देखो, दिया हुआ है कि राइट सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आपको क्या करना है, सिग्निफिकेंट फिगर क्या करना है, लिखते जाना है। अब मैंने जितने भी रूल्स आपको बताया था उसी रूल को क्या करना है, यूज करके आप सिग्निफिकेंट फिगर आसानी से लिख सकते। देखो, ये देखने में बहुत आसान भी है, लेकिन यदि आपको रूल याद नहीं है तो आप नहीं लिख सकते हो इसका, है ना। तो उसी तरह क्या है, सेकंड क्वेश्चन में भी क्या है, राइट सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग। उसके बाद थर्ड में हम देखेंगे कि राउंडिंग ऑफ ए नंबर भी हमने देखा था, तो उस पर भी क्या है, कुछ हम सम देखेंगे, ठीक है। तो पहले देखो, ये क्या दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 6428, क्या दिया हुआ है, 6428। तो रूल नंबर वन जो था वो क्या था, पहला जो रूल था कि ये जी मेजर्ड वैल्यू कुछ भी दिया हुआ है तो उसमें जितने भी नॉन जीरोस डिजिट्स होते हैं वो क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं, क्या होते हैं, नॉन जीरो डिजिट्स जो होता है वो क्या होता है, सिग्निफिकेंट होता है। तो इस हिसाब से, आई मीन यदि आप उस रूल के अकॉर्डिंगली आप देखोगे, तो पहले ए में जो है वो क्या है, 6428, इसमें नॉन जीरो डिजिट कितने हैं, आई मीन नॉन जीरो डिजिट कितने हैं। तो पहला रूल जो क्या है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, है ना, क्या है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ, क्या होगा, नंबर ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स, ए में क्या दिया हुआ है, इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 4। तो जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं, इसलिए हम बोलेंगे कि सिग्निफिकेंट इज इक्वल टू क्या हुआ, पहले आंसर। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, कितना होगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएगा, है ना। अब आते हैं हम सेकंड में देखो क्या है, ये आपको मैंने बताया था कि यदि क्या होगा, मेजर्ड वैल्यू दिया और उसमें डेसिमल है या नहीं है, है ना, दो चीजें मैंने बताया था। यदि डेसिमल है ना, तो क्या होगा, डेसिमल के बाद जितने भी क्या होंगे, और क्या है, डेसिमल दिया हुआ है, और क्या होगा, जो मेजर्ड वैल्यू है 1 से क्या हो, बड़ा हो, ठीक है। तो जितने भी क्या होते हैं, 0 आफ्टर क्या होगा, डेसिमल होता है, आई मीन डेसिमल टू द राइट, वो भी क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर होता है, ठीक है। तो यहां देखो हम क्या लिखेंगे, बी में हम लिखेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स प्लस नंबर ऑफ जीरो डिजिट्स, ठीक है, आफ्टर डेसिमल प्लेसेस, है ना, ये मैंने बताया था। तो हम यहां क्या लिखेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो
डिजिट प्लस नंबर ऑफ जीरो डिजिट्स इज इक्वल टू क्या होगा? देखो तो नंबर ऑफ नॉन जीरो डिजिट कितना है? टू, तो टू और डेसिमल के बाद नंबर ऑफ जीरोस सिंबल याद रखना, नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? दो हैं, तो ये कितना हो जाएगा? टू। यहाँ भी क्या होगा? सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? फोर हो जाएगा। नंबर ऑफ जीरो लिख लो, डिजिट नहीं, नंबर ऑफ जीरो डिजिट या नंबर ऑफ जीरो लिख लो यहाँ, ठीक है। अब हम आते हैं कि क्या है सी, सी में क्या है? मैंने बताया था कि इफ द मेजर्ड वैल्यू हैव डेसिमल एंड इफ द मेजर्ड वैल्यू इज लेस देन वन एंड इट हैज डेसिमल देन ऑल जीरोज लेफ्ट ऑफ द क्या होगा? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट विल बी क्या होगा? इनसिग्निफिकेंट, ये बताया था। तो देखो ये क्या है, नंबर जो है क्या है? लेस देन वन है, तो यहाँ फर्स्ट डिजिट कितना है? सिक्स है यार, तो इस सिक्स के लेफ्ट जो है वो जितने भी जीरो है वो क्या होंगे? नॉन सिग्निफिकेंट होंगे, है ना? क्या होगा? नॉन सिग्निफिकेंट होगा। तो यहाँ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? थ्री हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया ना कि यही क्या होंगे? ए वाला क्या होगा? यहाँ 6 to 8 जो होगा वो क्या होगा? सिग्निफिकेंट होगा, और ए वाला जो जीरो होंगे वो क्या हो गए? इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा। उसके बाद डी में क्या दिया हुआ है? देखो क्या दिया हुआ है, जो फोर्स दिया हुआ है, फोर्स इक्वल टू क्या दिया है? वन, है ना, ये दिया हुआ है ना। एफ इक्वल टू क्या दिया? 1200 न्यूटन, है ना। इसमें मैंने बताया था कि ये क्या है, मतलब क्या बताया था कि कोई भी मेजर्ड वैल्यू है ना, और जितने भी मेजर्ड वैल्यू है और उसमें डेसिमल नहीं है, इफ द मेजर्ड वैल्यू डोंट हैव एनी डेसिमल, है ना, या इफ द मेजर्ड वैल्यू डज नॉट हैव एनी डेसिमल देन क्या होगा? ऑल ट्रेलिंग जीरो, है ना, विल बी क्या होगा? इनसिग्निफिकेंट। यहाँ देखो तो ट्रेलिंग जीरो कितना है यार, या मैंने क्या बताया था, टर्मिनल जीरो या टर्मिनेटिंग जीरो। ऑल टर्मिनेटिंग जीरो जो होगा, आई मीन क्या होगा, वो जो मेजर्ड वैल्यू के लास्ट राइट से जितने भी राइट में साइड में जितने भी जीरो जो होंगे वो क्या होंगे? इनसिग्निफिकेंट फिगर, इनसिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो ये जो होगा वो क्या होगा, यहाँ आप देखोगे तो क्या हो जाएगा? नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ आई मीन सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ क्या होगा? नॉन जीरो डिजिट। इस केस में नॉन जीरो डिजिट जो है वो कितने हैं? दो हैं। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? Is equal to, ठीक है। अब हम आते हैं क्या है सेकंड में, है ना, इस क्वेश्चन में हम देखेंगे। देखो यहां भी क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो, इसमें आप जब देखोगे कल्पेश इंक देना, ठीक है। तो यहां क्या देखोगे आप, जो अब देखो ए में क्या दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है मेजर्ड वैल्यू कितना है? 1 है, न्यूटन कुछ भी हो सकता है। मैंने ये बताया था कि जब मेजर्ड वैल्यू में क्या हो, डेसिमल नहीं हो, है ना, और जीरो, तो दो तरह से सोचना है। यदि क्या होगा, जितने भी जीरोज होंगे वो नॉन जीरो डिजिट के बीच लाई कर रहे हैं तो क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। तो यहाँ क्या होगा कि देखो तो ये जीरोज है लेकिन नॉन जीरो डिजिट के क्या है? बीच में, तो यहाँ जो जीरो हैं उनका भी क्या होगा? वो सिग्निफिकेंट होंगे, आई मीन सिग्निफिकेंट फिगर में उनका कंट्रीब्यूशन होगा, उनका क्या होगा? रोल होगा। तो हम यहां बोल सकते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स इज इक्वल टू क्या होगा? ठीक है।
अब हम आते हैं यहां, देखो बी में क्या देखोगे, अगेन क्या है, ये डेसिमल है और वन से बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, यहां भी कितना हो जाएगा, फोर हो जाएगा, क्योंकि ये जीरो जो है क्या है, नॉन जीरो डिजिट के बीच में है और डेसिमल है, तो इसमें जितने भी नंबर्स होंगे प्लस जीरो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। तो हम यहां बोल सकते हैं कि यहां क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल टू क्या होगा, कितना होगा, फोर। सी जब आप देखोगे तो देखो यहां क्या है, अगेन क्या है, डेसिमल है और वन से ज्यादा है, तो ये ट्रेलिंग जीरो जो है वो भी क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। तो सी में देखेंगे नंबर क्या दिया हुआ है, तो यहां क्या होगा, सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल टू क्या होगा, फाइव। ये ट्रेलिंग जो जीरो है वो भी क्या होगा, उनका भी सिग्निफिकेंट में क्या होगा, कंट्रीब्यूशन होगा। तो यहां लिखे हैं क्या, फाइव, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे, फाइव हो जाएंगे। अब हम आते हैं यहां डी में, देखो डी में अगेन क्या है, डेसिमल है, तो ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट जितने भी जीरो होंगे वो क्या होंगे, इनसिग्निफिकेंट हो जाएंगे। आई मीन ये जो होगा क्या हो जाएगा, यहां जो नंबर दिया हुआ है वो क्या है, जीरो जीरो वन डबल जीरो वन, तो ये वाला जो जीरो है ये सभी क्या होंगे, नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। तो यहां सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, अब ये जो दो जीरो है वो क्या है, नॉन जीरो डिजिट के बीच लाई कर रहे हैं, इसलिए यहां सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, फोर हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा। सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, फोर हो जाएगा। तो हम यहां लिखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब राउंडिंग ऑफ ए नंबर पे भी हम क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना, ये दिया हुआ है कि राउंड द फॉलोइंग नंबर, अगला क्वेश्चन नंबर थ्री देखो, राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर, फॉलोइंग नंबर टू टू सिग्निफिकेंट डिजिट, टू टू सिग्निफिकेंट डिजिट या सिग्निफिकेंट फिगर। नंबर क्या क्या दिया हुआ है, देखो ध्यान से क्या क्या दिया हुआ है, थ्री फोर, उसके बाद क्या है, फोर सेवन टू। बी में जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या है, एट फोर वन सिक्स, एट फोर वन सिक्स। सी जो क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन में क्या है, टू फाइव फाइव। एंड डी जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या है, टू एट पॉइंट फाइव, है ना, आई मीन 28 पॉइंट क्या है, फाइव। ये इसमें आपको क्या करना है, राउंडिंग ऑफ करना है ना, राउंडिंग ऑफ क्या करना है, और कितने सिग्निफिकेंट डिजिट तक, दो ही सिग्निफिकेंट डिजिट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सिग्निफिकेंट, आई मीन अप टू टू सिग्निफिकेंट फिगर आपको क्या करना है, इसको राउंड अप करना है। तो राउंड अप के लिए मैंने बताया क्या था आपको, कि जब भी आप डिजिट को, आई मीन किसी भी डिजिट को राउंड अप करते हो, आई मीन क्या करते हो, नंबर से रिमूव करते हो, तो हमने क्या कंसीडर किया था, फाइव को हमने स्टैंडर्ड माना है, कि यदि डिजिट क्या होगा, इफ डिजिट टू बी रिमूव, आई मीन जिस डिजिट को आप रिमूव करना चाहते हो और यदि वो फाइव से ज्यादा है, तो उसको रिमूव करने के बाद उसके जस्ट लेफ्ट जो डिजिट होगा उसको क्या करोगे, वन से क्या करोगे, बढ़ा दोगे, आई मीन वन से क्या करोगे, आप इंक्रीज कर दोगे, ठीक है। दूसरा रूल क्या था, कि यदि जिस डिजिट को आप रिमूव करना चाहते हो फाइव से कम होगा, तो उसको रिमूव करने के बाद उसके लेफ्ट वाला जो डिजिट होगा वो क्या होगा, एज इट इज रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। उसके बाद सेकंड थर्ड रूल में, कि यदि डिजिट जिसको आप रिमूव करना चाहते हो फाइव ही हो यार, तो उसमें दो केसेस थे,
यदि 5 के पहले क्या होगा, इवन नंबर होगा, तो 5 को रिमूव करने के बाद जो इवन नंबर कभी क्या होगा, चेंज नहीं होगा, आई मीन एज इट इज रहेगा, मैंने बताया भी था। और यदि 5 के पहले आई मीन 5 के लेफ्ट डिजिट जो हो क्या हो, ऑड हो, तो 5 को रिमूव करने के बाद ऑड डिजिट को क्या करना है, 1 से क्या करना है, इंक्रीज कर देना है, ये मैंने बताया था। तो शायद आप लोग ट्राई करेंगे। अब देखो क्या करना है, दो ही सिग्निफिकेंट भी, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है यार, पहले हम लिख ले फास्ट, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 4, इसका 4, इसका 3 और इसका भी क्या है 3, लेकिन अपने को कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक क्या करना है, राउंड अप करना है, दो सिग्निफिकेंट, दो ही सिग्निफिकेंट फिगर फाइनल रिजल्ट में होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए, है ना, आई मीन मोर देन 2 नहीं होना चाहिए, 1 भी नहीं होना चाहिए, है ना। तो पहले में देखो, पहला यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर भी लिख दें, पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 3, 4, 7 क्या है, है ना, तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा यार, 4, अपने को कितना लाना है यार 2, अब चलो 2 को हटाते हैं, 2 को राउंड अप करोगे, देखो तो यहाँ क्या है, 3, 4, 7 क्या है, 2 को मुझे राउंड अप करना है, तो देखो तो 2 जो है वो क्या है, 5 से क्या है, छोटा है, तो इसको राउंड, इसको रिमूव करेंगे तो इसके लेफ्ट वाला जो नंबर क्या है, 7 है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, आई मीन ये कितना हो जाएगा, 3, 4, 7। अब मुझको क्या करना है, देखो अभी क्या है, यहां सिग्निफिकेंट फिगर कितना हुआ, 4 हो गया, यहां सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 3 है, यहां कितना है, 4। अब मुझे क्या करना है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर लाने के लिए 7 को भी क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, तो 7 को जब राउंड अप करोगे तो 7 क्या है, 5 से क्या है, ज्यादा है, तो जब आप इसको रिमूव करोगे तो इसके पहले जो लेफ्ट आई मीन जस्ट लेफ्ट जो डिजिट है उसमें हम क्या करेंगे, 1 क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 3, ये 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5। तो फाइनल आंसर देखो ये क्या हुआ, 2 यहां सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 2। ठीक है, उसी तरह आप बी में देखोगे क्या है, बी में सिग्निफिकेंट फिगर अगेन देखोगे तो 8 कितना है, 84.16, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, इसमें या सिग्निफिकेंट डिजिट, सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल टू क्या है यार, 4 है। अब 4 करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा यार, 4 को अब मुझे क्या करना है, इसको 2 सिग्निफिकेंट डिजिट में क्या करना है, सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना है, तो पहले हम किसको राउंड अप करें, 6 को, 6 देखो तो 5 से बड़ा है, तो जब 6 हटाएंगे तो उसके लेफ्ट वाले जस्ट लेफ्ट वाले डिजिट को क्या करेंगे, 1 से क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे, तो ये कितना होगा, 8, 4, और ये क्या है, 1 है, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 3 है। अब यहां भी क्या करना पड़ेगा, 2 में यार, यहां फिर सिग्निफिकेंट फिगर 2 में अपने को आंसर लाना है, तो 2 को भी क्या करना पड़ेगा, राउंड अप करना पड़ेगा, लेकिन 2 क्या है, 5 से क्या है, छोटा है, इसलिए 2 के जस्ट जो डिजिट होगा उसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो हम क्या लिख देंगे इसको, ते क्या हुआ, सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल टू क्या हुआ, एसएफ सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, क्या हो गया, 2 हो गया। अब हम आते हैं कि किस में, देखो ध्यान से, इसी में कंफ्यूजन होता है जहां 5। अब अगला जो क्वेश्चन है 3, आई मीन सी में क्या दिया हुआ है, सिग्निफिकेंट, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं सिग्निफिकेंट फिगर्स, या एसएफ लिख दो डायरेक्ट, एसएफ इक्वल टू क्या है, 3। अब इसको 2 में कन्वर्ट करने के लिए 5 को रिमूव करना पड़ेगा, तो देखो तो ये कितना है, 2.55। अब ये 5 हटाएंगे, इसके पहले क्या है यार, लेफ्ट क्या डिजिट है, ऑड है, तो इसको हटाएंगे तो इसमें हम क्या करेंगे, 1 इंक्रीज कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 2.6। ठीक है, तो यहां सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, एसएफ इज इक्वल टू क्या हुआ, 2.2
पॉइंट आई मीन सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया टू। इसमें देखो अगेन डी में देखो कि यहाँ सिग्निफिकेंट आई मीन एस एफ सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल टू क्या है थ्री। अब यहाँ 28.5 अगेन 5 को क्या करना है मुझे राउंड अप करना है, तो 5 के पहले क्या है यार इवन नंबर है, तो जब 5 को हटाएंगे तो इसमें 8 में कोई चेंज नहीं होगा, तो हम क्या डायरेक्ट लिख देंगे 28। तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितना हुआ एस एफ इज इक्वल टू 2, यहाँ क्या है एस एफ इज इक्वल टू क्या है 3। तो ऐसे हम क्या करते हैं राउंड अप करते हैं, क्या करते हैं हम राउंड अप करते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से है ना, अगला जो क्वेश्चन है क्या है क्वेश्चन नंबर 4। एड 6 पॉइंट कितना दिया हुआ है 6.75 इंटू 10^3 सेंटीमीटर, 4.52 into 10^2 सेंटीमीटर विथ रिगार्ड टू सिग्निफिकेंट फिगर विथ रिगार्ड टू सिग्निफिकेंट ध्यान देना है। देखो क्या बताया था मैंने आपको, क्या करना है कि जब भी देखो इसको सबसे पहले जब ऐड करोगे तो क्या करोगे पावर सेम कंसीडर करते हैं, एस आई मीन एस लिख देता हूं, एस इज इक्वल टू क्या होगा एस इज इक्वल टू क्या होगा 6.75 × 10^3 क्या होगा 3 प्लस है ना 4 पॉइंट क्या होगा 4 पॉइंट है ना कितना होगा 4 आई मीन सॉरी 4.5 क्या होगा इंटू 10^2 क्या होगा 8, ठीक है। अब हम क्या करेंगे आप बताओ यहाँ हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, कैसे बता सकते हो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सोचो क्या बताया था कि जब भी हम क्या करेंगे ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पहले जो जो जिसको मुझे ऐड करना उसमें देखना है कि मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल कितना है, ठीक है क्या है मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल। तो पहले देखो इसको हम क्या कर सकते हैं ऐसे ऐड नहीं कर सकते यार, ये देखो ये क्या है 4 पॉइंट, तो पहले हम क्या करें इसको कन्वर्ट कर दें, तो ऐसे लिख सकते हैं क्या 6 इसको क्या लिख सकते हैं 10 से मल्टीप्लाई 67.5 × 10^2 सेंटीमीटर प्लस 4.52 × क्या होगा 10^2 सेंटीमीटर। अब सही है यार, अब देखो हम लिख सकते हैं 67.5 प्लस 4 पॉइंट क्या होगा 52 × 10^2 सेंटीमीटर, इसको जब आप ऐड करोगे तो क्या होगा देखो ये कितना हो जाएगा 2 और ये 5 कितना हो जाएंगे 10 है ना तो 0, ठीक है 7 और 4 कितना होगा 11 और 1 12 2 और 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, ठीक है इनटू क्या हो जाएगा 10^2 सेंटीमीटर, यही होगा ना, देखो क्या हो। अब आपको क्या करना है यहां ये देखना था कि इसमें मिनिमम नंबर ऑफ हमने क्या किया मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना इसमें कितना है यार, देखो तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है सॉरी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं डेसिमल के बाद डेसिमल के राइट जो है कितने मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट आपको देखने हैं वही जो होना चाहिए फाइनल रिजल्ट में क्या होना चाहिए डेसिमल के बाद उतना ही डिजिट होना चाहिए है ना ज्यादा डिजिट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखो इस केस में हमने क्या किया इसमें देखोगे तो 64 पॉइंट क्या हुआ 5, इवन तो मैंने बताया था कि आप कुछ भी करो एक्सपोनेंट जो दिया हुआ है
उससे सिग्निफिकेंट फिगर पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। आई मीन सिग्निफिकेंट फिगर जो होता है पावर के टर्म में कोई भी रिलेशन दिया हो तो उससे कोई इफेक्ट नहीं होता। यहाँ आप जब देखोगे तो क्या होगा 72.02 × 10⁻² सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ हमने क्या किया है, यहाँ देखो इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1 है, इसमें कितने हैं डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो फाइनल जो रिजल्ट होना चाहिए उसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए। तो इसको हम क्या करेंगे, ये देखो यहाँ 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो यहाँ क्या लिख देंगे 72.0 × 10⁻² सेंटीमीटर। ये क्या होगा आपका करेक्ट आंसर, क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, हम देख भी लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे ऐसे 72 पॉइंट है ना, ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा 2, ये सही लिखा ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ डेसिमल के बाद देखेंगे कि यहाँ कितने डिजिट हैं उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, आप यहाँ क्या कर सकते हो 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड कर दो तो 10 में भी इसमें पावर 3 में दिया हुआ है, क्या चीज़ में दिया हुआ है पावर 3 में दिया हुआ है 10⁻³ में। तो हम क्या करेंगे, आपको ये देखना है कि जब भी हम क्या करेंगे, जब भी मुझे क्या करना होगा राउंड अप करना, सॉरी क्या करना होगा ऐड करना हो सबट्रैक्ट करना हो, तो देखना है कि जो भी जिसको हम ऐड कर रहे हैं और सब जिस नंबर को ऐड कर रहे हैं सबट्रैक्ट कर रहे हैं उसमें सबसे पहला काम क्या है डेसिमल देख लो, और डेसिमल जैसे ही आपने देखा तो डेसिमल के बाद देखिए कि मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट्स किस डेसिमल के बाद मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं। आप क्या करो सिंपल ऐड कर दो और राइट से है ना उतने डिजिट के बाद डेसिमल रख दो, आई मीन जो फाइनल रिजल्ट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए डेसिमल के बाद जो होना चाहिए क्या होना चाहिए नंबर ऑफ मिनिमम डिजिट या स्मॉलेस्ट डिजिट्स होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे जैसे देखो दिया हुआ है सिंपल सिंपल है, क्वेश्चन भी आया है इससे, और उसके बाद देखो वॉल्यूम कैलकुलेट कैसे करेंगे है ना, ये दिया हुआ है कि क्या है लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए मेटल शीट आर, ठीक है, या चलो द लेंथ दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर आई थिंक 6 या 5 होगा है ना, लेंथ ब्रेथ डी टी एच होगा ना ब्रेथ आई मीन बी, ठीक है, एंड हाइट या एंड थिकनेस थिकनेस ऑफ ए ब्लॉक आर ऑफ ए ब्लॉक आर गिवन बाय, दिया हुआ है क्या क्या दिया हुआ है देखो L थिकनेस हम T कंसीडर कर लेते हैं, तो L इक्वल टू क्या दिया हुआ है L इक्वल टू दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, B इक्वल टू दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, और T इक्वल टू दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 2.45 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दिया हुआ है द वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक, द वॉल्यूम ऑफ द क्या होगा ब्लॉक अकॉर्डिंग टू आइडिया ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, अकॉर्डिंग टू द आइडिया ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स शुड बी फर्स्ट में देखो क्या है 1 × 10² सेंटीमीटर³, बी इक्वल टू देखो बी में देखो क्या दिया हुआ है 2 × 10² सेंटीमीटर³, ठीक है, डी में देखो, ठीक है, सी में देखो क्या है सी में
1.763 into 10 is 2 सेंटीमीटर क्यूब। डी में क्या है? ठीक है, डी में क्या है? नॉन दिया। अब देखो सिग्निफिकेंट फिगर यहां क्या है कि वॉल्यूम कितना होगा। देखो ध्यान से क्या होगा, वॉल्यूम वॉल्यूम इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू क्या होगा, एल इंटू बी इंटू क्या होगा, ये मल्टीप्लीकेशन हो गया। तो सबसे पहले देखो इसमें L में इसमें मिनिमम इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 2, इसमें 1 इसमें 1, तो फाइनल जो रिजल्ट होना चाहिए उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? मैंने बताया था कि यदि आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं तो क्या देखना है कि जिस नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और डिवाइड कर रहे हैं उनमें स्मॉलेस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितना है। तो स्मॉलेस्ट देखो तो इसमें क्या है, 2 है, इसमें क्या होना चाहिए, इसमें 2 इसमें 1 और इसमें 1, तो वॉल्यूम का जो सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहां पहले लिख देंगे कि उसी से देखते सिग्निफिकेंट आई मीन SF, देखो SF ऑफ क्या लिखेंगे, V शुड बी क्या होना चाहिए। अब तुम देखो कि 1 किस में है यार, तो देखो ये 2 में है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 4 है, ये पॉसिबल नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, यही और ये हो सकता है। कौन सा हो सकता है, ए एंड बी, ये तो नन दिया है, ये भी चांसेस है, ये भी हो सकता है, लेकिन यहां 1 सिग्निफिकेंट फिगर अपने को मालूम चल गया तो हो सकता है कि इस दोनों में से कोई हो। अब आप क्या करोगे, सिंपल क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको मैं लिख देता हूं, है ना, तो वॉल्यूम वी इज इक्वल टू क्या होगा, 12 इंटू 6 इंटू क्या होगा, 2.45, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 72 इंटू 2.45, है ना, और ये कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो शायद ये आएगा, इसमें दिया हुआ है, देखो मैं जो ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, 2 इंटू, है ना, कितना दिया हुआ है, 4 का जो ऑप्शन है, 4 का जो ऑप्शन, इसका जो आंसर आएगा एग्जैक्ट जो 2 इंटू 10 रेज टू क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर क्या होगा, क्या तो आंसर जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, बी होगा। उसके बाद हम आते हैं एक दो न्यूमेरिकल जो है वो जेई में पूछा गया है उस पे हम आते हैं, ठीक है। जैसे दिया हुआ है देखो 2004 का है आई थिंक क्वेश्चन, और 2 क्लास लगेंगे उसके बाद तुम्हारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। अब तुम कितना प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, क्योंकि डाउट तो होता नहीं है तुम लोगों को, है ना, वैसे लगता है कि बिना फिजिक्स पढ़े ही यदि मेरा जेई क्लियर हो जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। एज ऑफ द क्यूब इज मेजर्ड, देखो ये क्वेश्चन नंबर 6 लिख लेना, देखो एज ऑफ द क्या होगा, क्यूब मेजर्ड, एज ऑफ द क्यूब मेजर्ड टू बी 1.2 इंटू 10 रेज टू माइनस टू मीटर। देखो यहां सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 2 होगा। इट्स वॉल्यूम शुड बी रिगार्डेड एज, शुड बी रिगार्डेड एज, देखो ऑप्शन दिया होगा, 1.7 into 10 raised to minus 6, है ना, मीटर क्यूब। बी देखो, बी जो है 1.73 into 10 raised to minus 6 मीटर क्यूब। सी देख, सी में क्या दिया हुआ है कि 1.70 into 10 raised to minus 6 मीटर क्यूब। डी में देखो 1.7 into 10 raised to minus 6। अब देखो यहां दिया हुआ है GRT 2003 का क्वेश्चन है ना, ठीक है, इसमें ध्यान देना कि देखो तो लेंथ में मिनिमम, अब यदि वॉल्यूम लिखोगे
कैसे सोचोगे? देखो सिग्निफिकेंट फिगर से, इसमें सिग्निफिकेंट, अरे एल इंटू एज, एज लेंथ इंटू एज लेंथ है ना, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या लिखोगे, ए इंटू ए इंटू ए, इनमें सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट मिनिमम आई मीन सिग्निफिकेंट फिगर कितना, वन आई मीन क्या टू है, तो जो फाइनल रिजल्ट आना चाहिए उसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कितने होना चाहिए, फाइनल रिजल्ट में सिग्निफिकेंट फिगर कितना होना चाहिए, दो ही होना चाहिए यार, तो ये पॉसिबल नहीं है। देखो तो इसमें, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, फोर, इसमें थ्री, इसमें भी थ्री, इसमें टू है, तो इसलिए आंसर क्या होगा, क्योंकि इसमें दिया हुआ है आपको ये नहीं बताया गया है कि विद प्रॉपर सिग्निफिकेंट फिगर, ऐसा कुछ नहीं बताया गया, लेकिन जब भी आप कैलकुलेट, इसमें दूसरा कुछ नहीं है, तुमसे वॉल्यूम थोड़ी पूछेगा यार, क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा, क्यूब का वॉल्यूम नहीं पूछेगा, क्योंकि वो तो आपको मालूम ही है, आप तो 7th क्लास से पढ़ रहे हैं कि क्यूब कैसे, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, तो ए क्यूब, लेकिन यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर जब आप यूज करोगे तो आपको मालूम चलेगा कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, दो है, तो इसलिए जो वॉल्यूम होगा उसका भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना होना चाहिए, दो होना चाहिए, तो यहां हम लिख सकते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ क्या होगा, वॉल्यूम मस्ट भी क्या होना चाहिए, टू होना चाहिए। अब देख लो दो सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, किधर है, तो देखो इसमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं हुई, डायरेक्ट क्या हुआ, आंसर आ गया, क्या है, डायरेक्ट आंसर आ गया। उसके बाद हम आते हैं एक न्यूमेरिकल सा जो शायद ये भी जेई का आया हुआ क्वेश्चन है ना, देखो ये क्या दिया हुआ है ना, प्रेशर डिपेंड ऑन, क्या है, प्रेशर डिपेंड ऑन डिस्टेंस दिया हुआ है, आई थिंक 7 या 8 देख लेना तुम लोग, है ना, प्रेशर, प्रेशर डिपेंड क्या होगा, ऑन डिस्टेंस, प्रेशर पी लिख लेना है ना, प्रेशर, प्रेशर यहां लिख देता हूं पी, डिपेंड ऑन डिस्टेंस जेड एस, एस पी इक्वल टू क्या होगा, अल्फा अपॉन बीटा ई रेज टू माइनस अल्फा जेड अपॉन, क्या होगा, अल्फा जेड अपॉन बीटा थीटा, क्या होगा, बीटा थीटा, वेयर, वेयर अल्फा एंड बीटा आर क्या है, आर कॉन्स्टेंट, क्या है, अल्फा एंड बीटा क्या है, कॉन्स्टेंट है, के क्या है, बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट, के क्या है, के बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट, और थीटा क्या है, टेम्परेचर, ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि द डायमेंशन ऑफ क्या होगा, द डायमेंशन ऑफ क्या होगा, द डायमेंशन ऑफ बीटा इज, ऑप्शन दिया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है ना, एम रेस टू जीरो, एल रेस टू जीरो, टी रेस टू जीरो, बी जो है वो क्या है, एम रेस टू माइनस वन, देखो एम रेस टू माइनस वन, एल रेस टू माइनस वन, टी रेस टू माइनस वन, सी दिया हुआ है एम रेस टू जीरो, एल स्क्वायर, टी रेस टू जीरो, और डी जो दिया हुआ है, डी जो दिया हुआ है वो क्या है, एम रेस टू माइनस वन, एल टी माइनस क्या हो जाएगा, आई थिंक टी, टी स्क्वायर, सॉरी टी स्क्वायर, ठीक है, यही आंसर। अब आपको देखना है, तो देखो इसमें सबसे पहले तो दो कॉन्सेप्ट है, दो कॉन्सेप्ट यूज कर, तुमको क्या है, एक सॉरी के मैंने कहां लिखा, के छोड़ दिया क्या, के थीटा, सॉरी यहां के थीटा होगा, देखो क्या है, यहां तुमको अनोन क्या चीज है, के, के का डायमेंशन तुमको नहीं मालूम है, लेकिन के का डायमेंशन मैं बता देता हूं कि कैसे लिखेंगे, तुम लिख लेना और ये आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि इसका आंसर नहीं आएगा,
अब देखो इसमें कॉन्सेप्ट क्या क्या है। पहले तो एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन होता है, मैंने बताया था कि क्या होगा, ई रेस टू कुछ भी हो, ई रेस टू ए एक्स प्लस बी एक्स जो हो क्या होगा, ये तो पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि ई रेस टू ए एक्स प्लस बी क्या होता है, इस क्या होगा, ये जो होगा क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा। दूसरा मैंने क्या बताया था कि ये आर्गुमेंट जो होता है, याद रखना, पहले तो इसका जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, सिंपल हम क्या लिखेंगे, डायमेंशन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एम रेस टू जीरो, एल रेस टू जीरो, टी रेस टू, आई मीन ये डायमेंशन लेस होगा, पहला कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट बोलते हैं। तो डायमेंशन ऑफ आर्गुमेंट, आर्गुमेंट भी क्या होगा, डायमेंशन ऑफ जो आर्गुमेंट होगा वो भी क्या होगा यार, डायमेंशन लेस होगा, आई मीन एम रेस टू जीरो, एल रेस टू जीरो, टी रेस टू, ये डायमेंशन लेस हो गया। बस यही कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो इसके अनुसार ये डायमेंशन लेस हुआ, इसका मतलब क्या, ये प्रेशर है तो इसका भी डायमेंशन क्या होगा, प्रेशर होगा। तो हम लिख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ क्या होगा, पी इज इक्वल टू क्या होगा, डायमेंशन ऑफ अल्फा अपॉन क्या होगा, डायमेंशन ऑफ बीटा। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, डायमेंशन ऑफ, यहाँ से भी हम देखते हैं डायमेंशन ऑफ क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ अल्फा अपॉन क्या होगा, डायमेंशन ऑफ पी के पावर क्या हो जाएगा, माइनस वन। ये इक्वेशन वन, ठीक है। ये पहला कि ये यदि डायमेंशन लेस हो जाएगा, ये क्या हो गया, डायमेंशन लेस हो गया। इसका मतलब क्या है, जितना इसका डायमेंशन होगा उतना ही क्या होगा, इसका डायमेंशन होगा। अब हम आते हैं कि आर्गुमेंट जो होता है वो भी क्या है, डायमेंशन लेस होता है। तो यहाँ आर्गुमेंट क्या है, ये वाला आर्गुमेंट है ए, तो ये भी क्या होगा, दिस इज आर्गुमेंट। तो ये क्या होगा, आई मीन इसका जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, जीरो जीरो होगा। तो हम लिख सकते हैं कि अल्फा, देखो यहाँ ई के पावर जो होता है, पावर क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है, उसी को आर्गुमेंट बोलते हैं। लॉग ऑफ समथिंग क्या होगा, डायमेंशन है लेस होगा। एंगल जो होगा ऑलवेज क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि अल्फा जेड अपॉन क्या होगा, बीटा सॉरी के इंटू थीटा का डायमेंशन जो होगा क्या होगा, एम रेस टू क्या होगा, क्या होगा, देखो तो एम रेस टू जीरो, एल रेस टू जीरो, टी रेस टू क्या होगा। अब यहां से अल्फा का डायमेंशन अपने को क्या करना है, निकाल देना है, और अल्फा का डायमेंशन जब हम इस रिजल्ट में रख देंगे तो आंसर आ जाएगा, क्या होगा, आंसर। तो अल्फा का डायमेंशन हम देखो यहां से लिख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ क्या लिखेंगे, के थीटा इंटू क्या लिख अपॉन क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ क्या होगा, जेड। यही होगा ना यार, अरे ये तो डायमेंशन लेस हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका डायमेंशन इज इक्वल टू इसका डायमेंशन। ऐसे भी आप जानते हैं कि यदि डिवीजन में दिया हुआ है तो न्यूमरेटर का डायमेंशन इक्वल टू क्या होता है, डिनोमिनेटर का डायमेंशन, ये हम जानते हैं यार। तो हमने यहाँ से क्या किया, लिख दिया। अब प्रॉब्लम ये है कि आपको किसका डायमेंशन लिखने आना चाहिए, के का, बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट के। अब देखो ये क्या होता है, कैसे लिखेंगे, मैं बता रहा हूँ कि तुम लोग आइडियल गैस इक्वेशन जानते हो क्या होता है, पी वी इक्वल टू क्या होगा, देखो पी वी इक्वल टू क्या होता है, एन आर क्या होगा, टी। एन क्या है, देखो ये पी वी इसका जो डायमेंशन होगा ये क्या होता है, वर्क का डायमेंशन होता है। आई मीन यहां लिख देता हूं कि डायमेंशन, या तुम प्रूफ भी कर सकते, इसका डायमेंशन लिखो। तो देखो ये क्या हुआ, आर एन आर टी हुआ, है ना, क्या हुआ, एन आर टी हो जाएगा, समझ में आया ना। और आर को के इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, देखो एक इक्वेशन ये हो जाएगा, यही से तुमको के इक्वल टू, आई मीन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इक्वल टू आर अपॉन क्या लिखते हैं, एन ए। तुम लोग जानते हो, मोल कॉन्सेप्ट पढ़े हो, एन क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर, क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। अब हम ये तो के होगा, अब यहां से हम आते हैं, देखो ध्यान से, ये तुमको k इक्वल टू क्या होगा, r ये गैस कांस्टेंट है, ये क्या है, na, n क्या है, एवोगाड्रो नंबर है। ये नंबर जो होता है वो क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। लेकिन हम आते हैं यहां से, देखो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, pb, pb इक्वल टू n, n दो तरह से हम लिखते हैं, एक क्या, n जो क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर। ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं क्या, n अपॉन na इक्वल टू क्या होगा, n, n क्या है, नंबर ऑफ
एटम्स मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पार्टिकल्स डिवाइडेड बाई क्या होगा एवोगाड्रो नंबर इक्वल टू क्या होगा मोल हो जाएगा। तो अब तुम क्या कर सकते हो, ठीक है हम यहां रख दें, क्या यहां रख दे तो देखो ये क्या हो जाएगा, यहां से हम लिख सकते हैं पी वी इज इक्वल टू एन इंटू सॉरी एन आई मीन एन क्या है एवोगाड्रो नंबर इंटू हम क्या लिख सकते हैं आर अपॉन क्या लिखेंगे हाँ आर अपॉन क्या लिखेंगे आर अपॉन क्या लिखेंगे एन ए इंटू क्या हुआ के सॉरी के आर अपॉन एन ए इंटू क्या हो गया, देखो कितना आसान हो गया। अब पी वी कोई भी नंबर होता है वो डायमेंशन लेस होता है, समझ में आया ना, है ना, पार्टिकल्स क्या होगा डायमेंशन लेस होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल बी डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट का जो वैल्यू होगा। तो यहां हम क्या लिख सकते हैं कि एन यहां एन इक्वल टू आर अपॉन एन ए की जगह क्या लिख सकते हैं के इंटू क्या लिख सकते हैं डी आई मीन यहां देखोगे कि इसका डायमेंशन जो होगा वो क्या होगा, इसका जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा वर्क के डायमेंशन के क्या होगा इक्वल होगा। इसको के यहां क्या दिया हुआ है टेम्परेचर क्या दिया हुआ है थीटा दिया हुआ है के इंटू थीटा। तो हम क्या लिख देते हम यहां कंसीडर कर लेंगे, चलो मैं रब कर देता हूं, तो यहां हम लिख सकते हैं कि इसका पी और वी प्रेशर और वॉल्यूम का जब डायमेंशन रखोगे तो तुमको क्या मिल जाएगा पी इंटू वी क्या होगा वर्क का डायमेंशन मिलेगा। तो हम यहां लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं नंबर क्या हो जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल जो होगा वो क्या होगा डायमेंशन लेस होता है, क्या होता है डायमेंशन लेस होता है। तो हम लिख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ पी वी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ क्या होगा वर्क इज इक्वल टू क्या होगा डायमेंशन ऑफ के टी। देखो इस क्वेश्चन में थीटा दिया हुआ है और हमने क्या किया, चलो हम यहाँ टी और यहां मान लेते हैं क्या है के थीटा, तो इसका डायमेंशन के थीटा क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर क्या हो जाएगा टी माइनस टू इज इक्वल टू क्या होगा डायमेंशन ऑफ के थीटा। यहां से अल्फा अब जेड क्या है डिस्टेंस दिया हुआ है तो तुम आराम से क्या कर सकते हो डायमेंशन क्या करोगे, ये समझ में आया कि एम एल स्क्वायर टी माइनस टू के थीटा का डायमेंशन मिल गया। अभी मैं अब देखो इसको हटा देता हूं यहां से, ये तो मुझे रखना पड़ेगा यार, है ना, ठीक है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, अब हम लिख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ क्या होगा डायमेंशन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा एम एल स्क्वायर टी माइनस क्या हो जाएगा टू डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा डायमेंशन ऑफ जेड, लेंथ दिया हुआ है डिस्टेंस, जेड क्या है डिस्टेंस दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा डायमेंशन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा डायमेंशन ऑफ एम एल टी माइनस क्या हो जाएगा, ये कितना हुआ अल्फा का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा फोर्स का डायमेंशन हो गया। अब यहाँ से वैल्यू रख दो यार, है ना, देखो आंसर आ जाएगा। अभी इक्वेशन क्या करें हम टू मान लें तो फ्रॉम फर्स्ट एंड क्या है सेकेंड, तो हम क्या लिख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ बीटा इज इक्वल टू क्या होगा डायमेंशन ऑफ अल्फा, तो डायमेंशन ऑफ अल्फा एम है ना एल टी माइनस क्या होगा टू, और यहाँ क्या लिखेंगे प्रेशर का उल्टा, तो प्रेशर क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स आई मीन क्या होगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू के पावर क्या हो जाएगा माइनस वन, ठीक है। अब तुम क्या करो इसको सिंप्लीफाई करो देखो क्या आंसर आता है, तो हम लिख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ बीटा इज इक्वल टू क्या होगा डायमेंशन ऑफ देखो एम एल टी माइनस टू के पावर क्या हो जाएगा एम के पावर माइनस वन एल टी के पावर क्या हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बीटा का जो डायमेंशन होगा। अब फिर से कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि मुझे मालूम चल गया कि ये फोर्स का डायमेंशन है और ये प्रेशर का डायमेंशन, तो फोर्स अपॉन ऑफकोर्स बीटा का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा एरिया का डायमेंशन होगा, तो क्या होगा सी ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा करेक्ट होगा। तो यहां जो लिखोगे क्या हो जाएगा एम रेस टू क्या होगा जीरो एल रेस टू जीरो टी रेस टू आई मीन जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा सी होगा, ठीक है। तो जेई का जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है ना 18 देख लेते हैं यार 18 में जो ऑप्शन दिया हुआ है वो 18 का क्या है सी ऑप्शन है, ठीक है। तो आज के क्लास में बस इतना ही, इसको तुम लोग देख लेना है ना, आज के क्लास में बस इतना ही, इसके आगे हम अभी एरर आई मीन अभी क्या अभी दो चीज़ें और पढ़ने हैं गॉज है ना, और गॉज कैसे
मेजर करते हैं, है ना, और उसके बाद एरर वगैरह इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड हम क्या करेंगे, सम देखेंगे, है ना। वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज और उसके बाद सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड हम कैसे मेजर करते हैं उसके बारे में, टाइम इन दो से तीन क्लास में, दो क्लास में आपका ये यूनिट डायमेंशन चैप्टर फिनिश हो जाएगा। अब आप अपने आप से खुद से पूछना कि आपने यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर पे कितने न्यूमेरिकल्स किए हो, है ना, कितने सम सॉल्व किए हो। यदि तुम सोचते हो कि नहीं फिजिक्स को हम कम्प्लीटली अवॉइड करते हैं और केमिस्ट्री या मैथ्स या कोई भी सब्जेक्ट, तुम एक सब्जेक्ट को कम्प्लीटली अवॉइड कर दो और दो सब्जेक्ट को पढ़ोगे तो हो सकता है तुम्हारा मेंस क्लियर हो जाएगा, एडवांस कभी क्लियर नहीं हो सकता है। तो इफ़ यू वॉन्ट टू टेक एडमिशन इन IIT देन आपको क्या होगा, तीनों सब्जेक्ट पे इक्वली ध्यान देना चाहिए। हाँ, आपका यदि कोई फेवरेट सब्जेक्ट है तो नो डाउट उस पर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दो, लेकिन तीनों सब्जेक्ट पढ़ो। तीनों यदि नहीं पढ़ोगे तो रिजल्ट जो होगा अभी से, इसका मतलब ये तुम मान करके चल रहे हो कि मुझे केवल मेंस क्लियर करना है, आई डोंट वॉन्ट टू क्लियर IIT एग्जाम, है ना, IIT एडवांस, आई डोंट वॉन्ट टू गो इन द IIT's कॉलेजेस, कॉलेज, ठीक है। तो ये तुमको क्या करना है, ध्यान देना चाहिए, क्योंकि क्या होता है बोथ वे प्रोसेस होता है। आप सोचोगे नहीं सर यदि मुझे होमवर्क देंगे तो मैं ये काम करूंगा, नहीं, आप सोचोगे सर के मुझे पीछे पढ़ना है और उनसे मुझे कुछ पूछना है, उनसे मुझे डाउट लेना है, तभी इसका मतलब क्या है कि आपका इंटरेस्ट नहीं है। आपको लगता है कि नहीं कंपल्सन आपको फिजिक्स पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, आपको कंपल्सन किया गया, मजबूर किया गया है कि नहीं आपको यही चीज करना है, तो ऐसे रिजल्ट नहीं होता है। चाहे कोई भी इवन 10th का भी एग्जाम देख लो, 12th का भी एग्जाम देख लो, पढ़ना तुमको है, तुम यदि अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो तो तुम्हारा रिजल्ट पॉसिबल नहीं है, ये सही बात है। अब तुम हो सकता है कि इस चीज़ को तुम इग्नोर करो तो अलग चीज़ है, कि हम कभी कभी जानते हुए भी कि हम जानते हैं कि हम गलत कर रहे हैं लेकिन अपने आप को रियलाइज नहीं करते हैं, अपने आप के अपने अंदर कमी नहीं ढूंढते हैं। तुम ये डिसाइड करो कि तुम कितने देर अभी पढ़ते हो और फिर तुम कोई सब्जेक्ट तुमको समझ में नहीं आता है तो क्यों नहीं आता है, मेरा प्रॉब्लम है या तुम उसको क्या, तुमने क्या किया कि मैंने पढ़ाया, नोट्स तुमने लिख लिया ना, उस पर तुमने प्रॉब्लम प्रैक्टिस किया कुछ, तो ऐसे फिजिक्स समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ज़्यादा बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसलिए आज के क्लास में बस इतना ही। इसके बाद हम एरर्स एनालिसिस और भी जो एरर्स पढ़ेंगे, वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गॉज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।